नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 20 लाख, वापस सेल्स 20 लाख मेरा दिया हुआ है, ठीक है, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। अभी हम लोगों ने पीवी रेशियो निकाला, पीवी रेशियो में क्या निकला, 25%, ठीक है। सो इसका मतलब 75% ऑफ सेल्स जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। सो 20 लाख का 75% करो 15 लाख, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन जो है ये मेरा, कंट्रीब्यूशन जो है ये मेरा वो क्या है, 25% ऑफ सेल्स, या फिर इन दोनों को माइनस कर लो, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन आ जाता मेरा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मेरा सेम रहेगा, कितना 70,000, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो 5 लाख से 7 लाख माइनस करेंगे, वी विल गेट 4,30,000 एज आवर प्रॉफिट। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, जहां पे मांगा था कितना प्रॉफिट होगा अगर 20 लाख का सेल करते हैं। कौन सा, ये इन दोनों को जोड़ूंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, प्रॉफिट मेरे पास 2,80,000 है और फिक्स कॉस्ट भी 70,000 दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन से इसको माइनस कर दे तो यहाँ पहुंचते हैं, इससे अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है। चलो अब तीन नंबर, तीन नंबर में देखो क्या बोला मेरे को कि सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, ठीक है। सो वी विल पुट डायरेक्टली सेल्स में 6 लाख, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज अगेन, तो कंट्रीब्यूशन मेरा आ गया 6,70,000, राइट। अच्छा अगेन ये मेरे को पता है इट इज 25% ऑफ सेल्स, राइट, तो ये मेरा क्या आएगा, 6,70,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो मेरा टोटल सेल आ जाएगा। पीवी रेशियो मैंने यूज किया, पीवी रेशियो में क्या था, मैं पीवी रेशियो, ये मैं सम अच्छा से यहां पे करके दिखाता हूं वापस, ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है, यहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन मेरा आया, कंट्रीब्यूशन तक समझ में आ गया होगा, 6,70,000, राइट।
राइट। पीवी रेशियो जो मदर क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरा 25% आया और ये नहीं चेंज होगा, दिस विल नॉट चेंज। एक क्वेश्चन में जो पीवी रेशियो निकलता है वो उस क्वेश्चन में कांस्टेंट रहता है अंटिल एंड अनलेस अलग कुछ बोला जाए, ठीक है। सो पीवी रेशियो 25% है, इट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ 670,000 इक्वल 25% ऑफ सेल्स, देयरफॉर सेल्स इक्वल 670 बाय 25%, कितना आ रहा है ये? 26,80,000, ठीक है। और एक तरीका है, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, है ना, इनटू 100। पीवी रेशियो मेरा 0.25 है तो मैं 100 को काट देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन मेरे पास है कितना, 670 बाय सेल्स, बस। तो 6.25 को इधर लेके आओ, सेल्स को इधर लेके आओ, तो मेरा वापस S equal 26,80,000 आ जाएगा। आया ना समझ में? चलो इसको देखो। So 6,70,000 जोड़ के profit plus fixed cost, profit और fixed cost को plus है, ठीक है? Profit और fixed cost को plus करने से contribution आ जाएगा। क्वेश्चन टू, प्रॉफिट इक्वल 1,60,000, सेल्स इक्वल 8,00,000, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल 40,000, फाइन। नंबर वन, ब्रेक इवन सेल्स। नंबर टू, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,60,000 and profit at sales of rupees 15,00,000.
लेट अस सॉल्व इट। वापस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इसका, सेल्स 8 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मिलेगा मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट विच इज गिवन एज 40,000 एंड देन इट इज गिवन प्रॉफिट 1,60,000। वापस बैक कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 2 लाख। ठीक है, तो सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 विच इज 2 लाख बाय 8 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है 25%। सो इसका मतलब है ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये मेरा 25% आ गया, तो वीसी इज माई 75%। ठीक है, निकालने का जरूरत यहाँ पे नहीं था, ये तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर 6 लाख से आ सकता है। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा टू फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, सो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, सो विच इज फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000 by 0.25, 1 lakh ना, 1 lakh 60 मेरा आ गया break even sales। तो I have done the question number 1। अब है sales to earn a profit of 2,60,000। Sales to earn a profit of 2,60,000 कैसे करेंगे, वापस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, नंबर 2, सेल्स नहीं पता, लेस वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होता है, तो ये 40,000 ही रहेगा। ठीक है, आ गया मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है मेरा 2,60,000। ठीक है, अब वापस बैक कैलकुलेशन, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और यहां से मेरे को मिलेगा 3 लाख विच इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अगेन ये मैं यहां पे 25% है मेरा पीवी रेशियो 25% है, अगेन ये 75% है और ये मेरा 100% है, याद रखना ये ही होता है हर सिचुएशन। तो सेल्स इक्वल 3 लाख, या फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पीवी है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पीवी विच इज 3 लाख बाय 0.25 कितना आ रहा है 12 लाख। तो ये 12 लाख इधर आ गया, बस दोनों का बैलेंसिंग फिगर विच इज 9 लाख मेरा आ गया वेरिएबल कॉस्ट, तो 2B हो गया हमारा। ठीक है, अब 3 क्या है, प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ 15 लाख है ना, क्या बोला था मैं 15 लाख, राइट, अच्छा वापस बनाएंगे सेल्स 15 लाख लेस वीसी, ये वापस मेरा 100% है, V
बीसी मेरा 75%, कितना आ रहा है ये 11,25,000। अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस करने से 3,75,000, ओके सो ये 3,75,000 व्हिच इज 25%। ठीक है, पीवी रेशियो है, याद रखो बार बार, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होता है। ये 40,000 माइनस करेंगे 3,35,000 आ गया मेरा प्रॉफिट। इट हार्डली टेक्स एनी टाइम, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन 3। कंप्यूट पीवी रेशियो, ठीक है, क्या दिया हुआ, when profit equal rupees 2 चीज फाइंड करना है, when sales equal rupees 20,000, सिचुएशन 1, फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 दिया है, एंड सिचुएशन 2, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है रुपीज 10,000। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है ना। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट बाय एक फॉर्मूला है विच इज ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, वेरी सिंपल, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स, ये नया फॉर्मूला है। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 4,000,
ये 200 होगा, बाय ब्रेक इवन सेल इज 10,000 इनटू 100 40%। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट निकालना है। कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, सेल्स 20,000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 60%, कैसे 40% अगर मेरा पीवी रेशियो है तो 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, 12,000 आया मेरा, 8,000 कंट्रीब्यूशन तो मेरा 40% है ना जो ऊपर से निकला, ये रहा ये, ठीक है, इससे माइनस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 4,000 दिया हुआ, तो हो गया 4,000 प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन 4 2018-2019 सेल्स 6 lakh 8 lakh find break even sales to earn a profit of sales to earn a profit of rupees 3 lakh and profit at a sales of rupees 18 lakh. ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, दो डिफरेंट ईयर का दिया हुआ है, ठीक है, ईयर वन ईयर टू, पीरियड वन पीरियड टू, दो साल का इंफॉर्मेशन जब मेरे को दिया रहता है पास पास, और सेम क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां पे बोला जाता है
पीवी रेशियो यहां पे निकलेगा मेरा चेंज इन प्रॉफिट बाय यस चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स ठीक है इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा तो चेंज इन प्रॉफिट देखो कितना है 140 ईयर 2 माइनस ईयर 1 हाँ बाय 8 लाख माइनस 6 लाख तो ये आ गया मेरा 40,000 बाय 2 लाख 200 कितना आ रहा है 20% तो ये 20% आ गया ठीक है तो मैं कोई भी एक ईयर को पकड़ता हूं एनी वन ईयर ठीक है सेल्स से 2018 को ही मैं अज्यूम करता हूं मेरे सिचुएशन सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट आएगा मेरा प्रॉफिट है ना तो देखो सेल्स मेरा यहां पे दिया हुआ है 2018 का 6 लाख ठीक है मैं क्यों बना रहा हूं ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कोई भी इंफॉर्मेशन जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते निकालो और स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करो व्हाई आर वी मेकिंग इट समझना है सेल्स का 20% इज कॉन्ट्रीब्यूशन इसका मतलब 80% मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,20,000 एंड 80% ऑफ 6 लाख इज 4,80,000 एज वेरिएबल कॉस्ट ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास नहीं है वी विल राइट प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 ठीक है तो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट राइट 20,000 तो इसका मतलब क्या है हम लोगों ने ये पार्ट निकालने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया ठीक है ना सो अभी हम लोग को क्या चाहिए ब्रेक इवन सेल चाहिए नाउ वी कैन फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा कितना निकलेगा ठीक है